शांति। आज बाबा के 12 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। कोई से भी बात करते बुद्धि का योग एक बाबा से लगाएंगे तो तकदीर ऊंच बनती है। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला है? तो बाबा कहते, बच्चे तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ, जांच करो हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं, रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। अब गीत सुनने की कोई जरूरत नहीं रहती, गीत अक्सर करके भक्त ही गाते हैं और सुनते हैं। तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो, ये गीत भी बच्चों के लिए ही खास निकले हुए हैं। बच्चे जानते हैं बाप हमारी तकदीर ऊंच बना रहे हैं, अब हमको बाप को ही याद करना है और दैवी गुण धारण करने हैं, अपना पोता मेल देखना है। जमा होता है या ना, यानी घाटा होता रहता है, हमारे में कोई खामी तो नहीं है? अगर खामी है जिससे हमारी तकदीर में घाटा पड़ जाएगा तो उसको निकाल देना चाहिए। उस समय हर एक को अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। इस समय हर एक को अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। तुम समझाते हो हम ये लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं, अगर सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करेंगे तो। कोई से बात करते देखते हुए बुद्धि का योग वहाँ एक के साथ लगा रहे, हम आत्माओं को बाप को ही याद करना है, बाप का फरमान मिला हुआ है, सिवाय मेरे और कोई से दिल नहीं लगाओ और दैवी गुण धारण करो। बाप समझाते हैं, तुम्हारे अभी 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब फिर तुम जाकर पहला नंबर लो राजाई में, ऐसा न हो राजाई से गिरकर प्रजा में चले जाओ, प्रजा में भी नीचे चले जाओ। नहीं, अपनी जांच करते रहो, यह समझानी, बाप बिगड़ तो और कोई दे न सके। बाप को टीचर को याद करने से डर रहेगा, ऐसा न हो हमको कोई सजा मिल जाए। भक्ति में भी समझते हैं, पाप कर्म करने से हम सजा के भागी बन जाएंगे। बड़े बाबा के डायरेक्शन तो अभी ही मिलते हैं, जिसको श्रीमत कहते हैं। बच्चे जानते हैं कि श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं, अपनी जांच करनी है कहाँ कहाँ हम श्रीमत के बरखिलाफ तो कुछ करते नहीं हैं। जो बात अच्छी न लगे वह करनी नहीं चाहिए। अच्छे बुरे को तो अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। अभी तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो फिर जन्म जन्मांतर कर्म अकर्म बन जाते हैं। इस समय तो सब में पांच भूत प्रवेश हैं,
अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर कर्मातीत बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। समय नाजुक होता जाता है, दुनिया बिगड़ती जाती है, दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही रहेगी। इस दुनिया से तुम्हारा जैसे कि कनेक्शन ही नहीं, तुम्हारा कनेक्शन है नई दुनिया से जो स्थापन हो रही है। तुम जानते हो हम निमित्त बनते हैं नई दुनिया स्थापन करने। तो जो एम ऑब्जेक्ट सामने है उन जैसा बनना है। कोई भी आसुरी गुण अंदर ना हो, रूहानी सर्विस में लगे रहने से उन्नति बहुत होती है। प्रदर्शनी म्यूजियम आदि बनाते हैं, समझते हैं बहुत लोग आएंगे, उन्हों को बाप का परिचय देंगे, फिर वह भी बाप को याद करने लग पड़ेंगे। सारा दिन यही ख्यालात चलते रहें, सेंटर खोल, सर्विस को बढ़ाएं, यह रतन सब तुम्हारे पास हैं। बाप दैवी गुण भी धारण कराते हैं और खजाना देते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, पवित्र भी रहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा कर्म ना हो, उसकी पूरी जांच करनी होती है। बाप आए ही हैं पतितों को पावन बनाने, उसके लिए युक्तियाँ भी बतलाते रहते हैं, उसमें भी रमण करते रहना है। सेंटर खोल, बहुतों को निमंत्रण देना है, प्रेम से बैठ समझाना है। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, पहले तो नई दुनिया की स्थापना बहुत जरूरी है। स्थापना होती है संगम पर, ये भी मनुष्यों को पता नहीं है कि अब संगम युग है, यह भी समझाना है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, उसका अब संगम है। नई दुनिया की स्थापना श्रीमत पर हो रही है, सिवाय बाप के और कोई नई दुनिया के स्थापना की मत देंगे नहीं। बाप ही आकर तुम बच्चों से नई दुनिया का उद्घाटन कराते हैं। अकेले तो नहीं करेंगे, सब बच्चों की मदद लेते हैं। वो लोग उद्घाटन करने लिए मदद नहीं लेंगे, आकर कैंची से रिबन काटेंगे। यहाँ तो वह बात नहीं, इसमें तुम ब्राह्मण कुलभूषण मददगार बनते हो। सब मनुष्य मात्र रास्ता बिल्कुल मूझे हुए हैं। पतित दुनिया को पावन बनाना ये बाप का ही काम है। बाप ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं, जिसके लिए रूहानी नॉलेज देते हैं। तुम जानते हो बाप के पास नई दुनिया की स्थापना करने की युक्ति है। बाप में, सॉरी, बाबा कहते भक्ति मार्ग में उनको पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ। भल शिव की भी पूजा करते रहते हैं, परंतु ये जानते नहीं हैं कि पतित पावन कौन है। दुख में याद तो करते हैं, हे भगवान, हे राम। राम भी निराकार को ही कहते हैं, निराकार को ही ऊंच भगवान कहते हैं, परंतु मनुष्य बहुत मूझे हुए हैं। बाप ने आकर निकाला है, जैसे फागी में मनुष्य मूझ जाते हैं ना, यह तो है बेहद की बात। बहुत बड़े जंगल में आकर पड़े हैं, तुमको भी बाप ने फील कराया है हम किस जंगल में पड़े थे। ये भी अब पता पड़ा है, ये पुरानी दुनिया है, इसका भी अंत है।
मनुष्य तो बिल्कुल रास्ता जानते ही नहीं, बाप को पुकारते रहते हैं। तुम अभी पुकारते नहीं हो, अभी तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। सो भी नंबरवार जो जानते हैं वह बहुत खुशी में रहते हैं, औरों को भी रास्ता बताने में तत्पर रहते हैं। बाप तो कहते रहते हैं बड़े बड़े सेंटर खोलो, चित्र बड़े बड़े होंगे तो मनुष्य सहज समझ सकेंगे। बच्चों के लिए मैप्स यानी चित्र जरूर चाहिए, बताना चाहिए यह भी स्कूल है, यहाँ के यह वंडरफुल मैप्स हैं। उन स्कूलों के नक्शे में तो होती है हद की बातें, और यह है बेहद की बातें। ये भी पाठशाला है जिसमें बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए और लायक बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनने की ये ईश्वरीय पाठशाला है, लिखा हुआ ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह है रूहानी पाठशाला। सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी मनुष्य समझ नहीं सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी लिखना चाहिए। ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई है नहीं। बाबा ने कार्ड्स देखे थे, कुछ अक्षर भूले हुए थे। बाबा ने कितनी बार कहा है प्रजापिता अक्षर जरूर डालो, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। लिखत पूरी होनी चाहिए जो मनुष्य को मालूम पड़े कि ये ईश्वरीय बड़ा कॉलेज है। बच्चे जो सर्विस पर उपस्थित हैं, जो अच्छे सर्विसेबल हैं, उन्हों को भी दिल में रहता है हम फलाने सेंटर को जाकर उठाएं, ठंडा पड़ गया है उनको जगाएं, क्योंकि माया ऐसी है जो घड़ी घड़ी सुला देती है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ यह भी भूल जाते हैं। माया बहुत अपोजिशन करती है, तुम युद्ध के मैदान में हो, माया माथा मोड़ कर उल्टे तरफ न ले जाए, उसकी बड़ी संभाल करनी है। माया के तूफान तो बहुत सभी को लगते हैं, छोटे अथवा बड़े सब युद्ध के मैदान में हैं। पहलवान को माया के तूफान हिला न सके, वह अवस्था भी आने वाली है। बाप समझाते हैं समय बड़ा खराब है, हालतें बिगड़ी हुई हैं, राजाई तो सब खत्म हो जानी है, सबको उतार देंगे, फिर प्रजा का प्रजा पर राज्य सारी दुनिया में हो जाएगा। तुम अपनी नई राजाई स्थापन करते हो तो यहाँ राजाई का नाम भी खत्म हो जाएगा, पंचायती राज्य होता जाता है। जब प्रजा का राज्य हो तब तो आपस में लड़े झगड़े, स्वराज्य अथवा राम राज्य तो वास्तव में है नहीं, इसीलिए सारी दुनिया में झगड़े ही होते रहते हैं। आजकल तो सब जगह हंगामा है, तुम जानते हो हम अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। तुम सबको रास्ता बताते हो, बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, बाप की याद में रह, औरों को भी ये समझाना है। देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ो, ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सब देही अभिमानी बने हैं, नहीं बनने का है। तुम पुरुषार्थ करते हो, औरों को भी कराते हो, याद करने की कोशिश करते हैं फिर भूल जाते हैं, पुरुषार्थ यही करना है। मूल बात है बाप को याद करना, बच्चों को
कितना समझाते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है। मूल बात है पवित्र रहना। बाप पावन बनाने आए हैं तो फिर पतित नहीं बनना है। याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, यह भूलना नहीं है। माया इसमें ही विघ्न डालती है, भुला देती है। रात दिन ये तात रहे, हम बाबा को याद कर सतो प्रधान बने। याद ऐसी पक्की होनी चाहिए जो पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के और कोई की भी याद न पड़े। प्रदर्शनी में भी पहले पहले ये समझाना चाहिए, यह है सबका ऊंचते ऊंच भगवान, सबका बाप, पतित पावन, सदगति दाता, यह है। यही स्वर्ग का रचयिता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप आते ही हैं संगम युग पर, बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। पतित पावन एक के सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। पहले पहले तो बाप का परिचय देना पड़ता है। सब एक एक को ऐसे एक चित्र पर बैठ समझाओ तो इतनी भीड़ को कैसे समझा सकेंगे। परंतु पहले पहले बाप के चित्र पर समझाना मुख्य है, समझाना पड़ता है। भक्ति है अथा, ज्ञान तो है एक। बाप कितनी युक्तियां बच्चों को बतलाते रहते हैं। पतित पावन एक बाप है, रास्ता भी बताते हैं। गीता कब सुनाई ये भी किसी को पता नहीं। द्वापर युग को कोई संगम युग नहीं कहा जाता। युगे युगे तो बाप नहीं आते हैं, मनुष्य तो बिल्कुल मूंझे पड़े हैं। सारा दिन यही ख्यालात चलते हैं, कैसे कैसे समझाया जाए। बाप को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। टेप पर मुरली पूरी सुन सकते हैं। कोई कोई कहते हैं टेप द्वारा हम सुन रहे हैं, क्यों न डायरेक्ट जाकर सुने। इसीलिए सम्मुख आते हैं। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, रास्ता बताना है। प्रदर्शनी में आते हैं, अच्छा अच्छा भी किया, फिर बाहर जाने से माया के वायुमंडल में सब उड़ जाता है। सिमरण नहीं करते हैं, उनकी फिर पीठ करनी चाहिए। बाहर जाने से माया खींच लेती है, गोरख धंधों में लग जाते हैं। इसीलिए मधुबन का गायन है। तुमको भी अभी समझ मिली है, तुम वहां भी जाकर समझाएंगे गीता का भगवान कौन है। आगे तो तुम भी ऐसे ही जाकर माथा झुकाते थे, अभी तो तुम बिल्कुल बदल गए हो, भक्ति छोड़ दी है। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो, बुद्धि में सारी नॉलेज है। और क्या जाने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है। तुम समझाते हो, वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। इस समय ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए, संगम पर ही ब्राह्मण कुल होता है। आगे ब्राह्मणों की चोटी मशहूर थी। चोटी से या जनेऊ से पहचानते थे कि हिंदू है। अब तो वे निशानियां भी चली गई हैं। अभी तुम
अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बनने के बाद फिर देवता बन सकते हैं। ब्राह्मणों ने ही नई दुनिया की स्थापना की है। योग बल से सबकी संभाल होती रहती है। यज्ञ में संभालने वाले ट्रस्टी भी रहते हैं। यज्ञ का मालिक तो है शिव बाबा। तो इसलिए बाबा कहते अपनी जांच भी करो। यज्ञ का मालिक तो शिव बाबा है, ये ब्रह्मा भी ट्रस्टी है। यज्ञ की संभाल करनी चाहिए पड़ती है। तुम बच्चों को जो चाहिए यज्ञ से लेना है, और कोई से लेकर पहनेंगे तो वे याद आता रहेगा। इसमें बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। अब तो वापिस जाना है। अब तो हम बच्चों को सबको वापिस घर जाना है। समय बहुत थोड़ा है, इसीलिए याद की यात्रा पक्की रहे, यही पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान रतन मिलते हैं उन्हें धारण करके दूसरों को कराना है। दूसरी पॉइंट है अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, कभी लून पानी तो नहीं बनते हैं। बुद्धि की लाइन क्लियर है, ये अपने में हमें जांच करनी है। वरदान है कहना, सोचना और करना। कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। अभी वानप्रस्थ में जाने का, वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है। इसीलिए कमजोरियों के मेरेपन को या व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना समान बनाओ। तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप, जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तो आत्माएं हैं, उनका हर कर्म संस्कार गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल को नहीं खेल सकते। सदा परमात्म मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे। स्लोगन है सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। इसीलिए सेवा में सदा बिजी रहो। सेवा ब्राह्मणों का श्वास है, तो इसलिए सेवा करते रहेंगे, सेवा में बिजी रहेंगे तो न तन की बीमारी न कभी मन की बीमारी पर ध्यान जाएगा। अच्छा, ओम शांति।